सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को कशिश लेडीज टेलर को, बेल आइकन को दबाइए हमारी आने वाली नोटिफिकेशन पाने के लिए। आज हम आपको, नमस्कार गाइस, आज हम आपको एम्ब्रॉयडरी वाले गले को पलटना सिखाएंगे। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। तो एम्ब्रॉयडरी वाले गले को पलटने के लिए सबसे पहले आपने गले की जो डीपनेस है वो माप लेनी है, और उसके बाद आपने गले की जितनी ब्रॉडनेस है वो माप लेनी है, और गले के किनारे किनारे के ऊपर मतलब पैर पैर छोड़ के गले को किनारे की सिलाई लगा देनी है आपने, पैर पैर की सिलाई लगा देनी है सारी की सारी गले के चारों ओर साइड पर। हमने चारों ओर साइड के ऊपर गले के ऊपर किनारे की सिलाई लगा दी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके आउटलाइन को काट देंगे, थोड़ा थोड़ा पैर पैर छोड़ के हम इसको काट देंगे अंदर से। हमारे चैनल के ऊपर कोई भी आपको तरीका ऐसा नहीं मिलेगा जिस तरीके को आप घर में बैठे हुए आसानी से आप गला नहीं बना सकते। तो हम अपने चैनल के ऊपर जितनी भी वीडियो बनाते हैं उसमें हम यही सिखाते हैं कि बिल्कुल ईजी मेथड जो होता है जिसके ऊपर आप बिल्कुल आसानी से वो काम कर सकें जो आप गला बनाना है तो बड़ी मुश्किल से बना पाएंगे। गले को पहले कपड़ा पलटी मारा, उसके बाद में हम तुरपाई करी, उसके गले की सफाई भी नहीं आती, या बुकरम का गला बना के पलटी मारा तो उसके अंदर भी कई लोगों को समझ में नहीं आता। अब हमने क्या करना है, दो फालस की पट्टी बना लेनी है, हमने फालस की एक पट्टी बना लेनी है। तो उरेब काटना है फालस को, मैंने अपनी फालस मेरे पास में पड़ी हुई थी इसी की लाइनिंग, मैंने उसको उरेब काट लिया। उरेब काट को काट कर मैंने उसकी ये पट्टी तैयार कर ली है, ये बिल्कुल उरेब पट्टी है। अब हम क्या करेंगे, इसको बिल्कुल अपने गले के ऊपर ऊपर रख के जैसे बैक की फालस लगाते हैं वैसे हम इसको लगाते जाएंगे। तो ये हमने लगानी शुरू कर दी है, और ये इसके ऊपर पैर पैर की सिलाई हम लोग लगाते जाएंगे। उसी सिलाई के ऊपर लगानी है हमने जो सिलाई हमने लगाई थी इसके ऊपर पहले। ये हम पैर पैर की सिलाई लगाते जाएंगे। अगर आपने हमारी और वीडियो देखनी है जिसके अंदर हमने पैड बनाने का तरीका बताया हुआ है कि ब्लाउज के अंदर पैड कैसे लगाएं, सिंपल सूट की कटिंग बताई हुई है, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसके ऊपर आप जाकर देख सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी कशिश टेलर के नाम से ही है। अब हम इसको जैसे फालस के ऊपर पलटी मारते हैं ना वैसे किनारे किनारे की सिलाई लगाकर गले को पलटी मार देंगे। ये हमने पैर पैर की सिलाई लगाएंगे पहले, जैसे बैक के अंदर फालस का गला बनाते हैं हम लोग वैसे ही एम्ब्रॉयडरी का गला भी बनाना है हमने, लेकिन तरीका थोड़ा सा अलग है। इस तरीके का भी पहले मैं खुद भी आपको, मैं सच बताऊं तो मैं खुद भी जो है ना इसी तरीके से बनाता था कि बैक के अंदर लाइनिंग लगाई और गला को पलटी मार दिया। तो उसके अंदर क्या होता था कि एम्ब्रॉयडरी करो उसके बावजूद भी जो है ना गले के ऊपर इतनी तुरपाई करो उसके बाद भी गले के ऊपर इतनी सफाई नहीं आती थी। फिर मैंने एक दिन ये तरीका आजमाया, मैंने ही अपने किसी कारीगर भाई को देखा था, तो मैंने ये तरीका देखा, उसका मेरे को तरीका बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझे एक सिलाई का काम करते हुए 18 साल हो गए। और अब मैं जितने भी अपने गले बनाता हूँ मैं सारे के सारे इसी तरीके से बनाता हूँ। अब आपका यह गला तैयार हो गया, अब चाहे तो इसके ऊपर आप किनारे किनारे की सिलाई लगाकर इसको पलटी मार देना, चाहे तुरपाई कर लेना। मैं इसको कढ़ाई सिलाई लगा रहा हूँ ताकि आपको जल्दी से दिखा सकूँ, आप चाहे तो इसके ऊपर तुरपाई भी कर सकते हो। ये मैं इसके ऊपर किनारे किनारे की, ये बिल्कुल सफाई से आएगा क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल ही कुछ भी ऐसा नज़र ही नहीं आएगा कि गला पलटी मारा हुआ, बिल्कुल ऐसे सफाई से लगेगा, बिल्कुल किनारे किनारे के ऊपर सफाई से आपने करना ताकि बाहर आपकी लब ना नज़र आए, कढ़ाई कढ़ाई नज़र आए, बाहर बिल्कुल सफाई सफाई से आपने ये लगा देना। ये देखो मैंने बिल्कुल सफाई सफाई से लगा दिए। वीडियो के अंदर शायद मैंने ये दोपहर को वीडियो बनाई है, तो अगर धूप का हल्का सा वो आ रहा हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे, क्योंकि मैं ये अपनी वीडियो जो बना रहा हूँ मैं अपनी शॉप पर ही बना रहा हूँ। ये देखिएगा, ये हमने गले के किनारे की सिलाई लगा कर इस गले को पलटी मार